महू तहसील के ग्राम पांडा में लगातार द्वितीय वर्ष श्याम भक्त लखन ठाकुर एवं सहयोगियों द्वारा श्याम प्रेमी भक्तों के लिए 29 मई शाम 8 बजे से रामकृष्ण धर्मशाला ग्राम पांडा में भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश के नामी कलाकार जिनमें प्रमुख रूप से पूनम दीदी, सोनू लखा, शशांक तिवारी, अंकित महेश्वरी अपने सुमधुर श्याम भजनों से श्याम प्रेमी भक्तों को भक्ति के सागर में डुबोकर सराबोर करेंगे। आयोजक श्याम भक्त लखन ठाकुर ने बताया है कि इस संकीर्तन में महू के आसपास के करीब 5 से 25 हजार श्याम प्रेमी भक्त शामिल होने की उम्मीद है, जिनके खाने पीने की आदि की समस्त व्यवस्था की जाएगी। भंडारे की व्यवस्था भी की गई है, जहां भक्तगण भोजन प्रसादी करेंगे। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। लखन जी, इस बार फिर आप बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या करा रहे हैं 29 मई को, कौन कौन आ रहा है और क्या रहेगा आपका? इस बार फिर से ये वार्षिक उत्सव हो गया हमारा, जब तक बाबा की कृपा रहेगी जब तक करवाते रहेंगे 29 मई के दिन हर साल कीर्तन। इस बार इस कीर्तन में पूनम दीदी बरसाना से और सोनू लखा जी हरियाणा से पधार रहे हैं, उनके साथ में शशांक तिवारी कुंदनपुर से आएंगे और सभी अपने भजनों से भक्तों को रिझाएंगे, बाबा श्याम को रिझाएंगे। लखन जी, मतलब हर वर्ष आप करवा रहे हैं, इस बार भी बड़े स्तर पर है, कितने लोगों के आने की उम्मीद है और क्या व्यवस्था रहेगी उनकी? इस बार 15 से 20 हजार लोगों की आने की उम्मीद है हम लोगों को। इस बार हमने भजन के साथ में भंडारे का भी आयोजन रखा है सभी लोगों के लिए। इस बार निश्चित रूप से 10 से 15 से 20 हजार पब्लिक कीर्तन में अवश्य पधारेगी, ऐसी हम सब लोगों की उम्मीद है। किस जगह करा रहा आयोजन? इस बार रामकृष्ण धर्मशाला ग्राम पांडा में ही आयोजन करा रहे हैं, जो कि बीच गाँव में है। कहाँ कहाँ से लोगों के आने की उम्मीद है? लोगों की उम्मीद अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से ही ज्यादा लोग आने की उम्मीद है, क्योंकि पूनम दीदी जो है बरसाना से पहली बार हमारे बीच में पधार रहे, अभी तक उनका कीर्तन हुआ नहीं है, काफी शानदार भजन है उनके, तो इस बार उम्मीद है कि सारे आसपास के गांव हर्षोल्लास।